रंगोत्सव होली लगभग पूरे भारतवर्ष में ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन रंगपंचमी मनाने की परंपरा चुनिंदा स्थानों पर ही है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रंगपंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी धुलेंडी के ठीक 3 दिन बाद मनाया जाता है। तन और मन दोनों को रंगों में सराबोर करने वाला यह पर्व मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर समेत पूरे मालवा में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलकर रियासत काल में इंदौर में रंगपंचमी मनाने की शुरुआत हुई। रियासत काल में 5 दिवसीय होली मनाई जाती थी। रंगपंचमी के दिन रंगोत्सव का समापन होता था। इंदौर में रंगपंचमी के दिन गैर निकालने की परंपरा 1947 से शुरू हुई। गैर में पूरे शहर के लोग उत्साह और उमंग के साथ भाग लेते हैं। शुरुआती दौर में राजवाड़े से लोगों पर रंग फेंका जाता था। बाद में बैलगाड़ियां गैर में शामिल हुई। अब बड़े बड़े वाहनों के साथ गैर आधुनिक रूप ले चुकी है। टैंकरों और बड़े वाहनों से रंग मिश्रित सुगंध जल लोगों पर फेंका जाता है। इस आयोजन में शहर के राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के लोग सभी मतभेद भुलाकर शामिल होते हैं। महिलाएं भी इस आयोजन में पूरे उत्साह से भाग लेती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में रंगपंचमी का त्यौहार अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। रंगपंचमी के दिन नासिक में कुंड में रंग भरा जाता है। पेशवाकालीन इस कुंड को रहाड़ कहा जाता है। 25 फुट चौड़े और 25 फुट लंबे इस कुंड को गुलाबी या पीले रंग से भरा जाता है। रहाड़ पर पहले पूजा होती है, फिर लोग इसमें छलांग लगाते हैं, जिसे धप्पा कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ यह परंपरा बाजीराव पेशवा के जमाने से चली आ रही है। संभवतः मालवा और महाराष्ट्र में लगभग एक ही समय से रंगपंचमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। यूं रंगों का संबंध प्रकृति से तो है ही, उनका आध्यात्मिक महत्व